गाजीपुर से किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार की रिपोर्ट। जोनल अंतर जनपदीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में पुलिस कर्मियों ने किया हुनर का प्रदर्शन। गाजीपुर पुलिस विभाग के वाराणसी जोन की अंतर जनपदीय दो दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता वर्ष 2022 का समापन पुलिस लाइन गाजीपुर में कल शुक्रवार को संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में वाराणसी जोन की कुल 8 टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें जनपद वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर की पुरुष व महिलाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में किन्हीं विशेष कारणों से जनपद मऊ व जनपद चंदौली की पुरुष महिलाएं प्रतिभाग नहीं कर पाई। प्रतियोगिता का आरंभ महिला खिलाड़ियों द्वारा किया गया, जिसमें पहले मैच के 10 मीटर स्पर्धा में जनपद बलिया व जनपद गाजीपुर के महिला खिलाड़ियों द्वारा खेला गया। इसमें बलिया की महिला आरक्षी रचना द्वारा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया। रचना ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए अंकों के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं गाजीपुर की महिला आरक्षी राधा यादव ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। टीम चैंपियन महिला स्पर्धा में जनपद गाजीपुर प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहा। पुरुष वर्ग के 10 मीटर स्पर्धा में जनपद आजमगढ़ के आरक्षी राहुल कुमार दुबे ने अंकों के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो जनपद बलिया के आरक्षी विद्यासागर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। टीम चैंपियन पुरुष स्पर्धा में जनपद आजमगढ़ की टीम अच्छा प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं जनपद गाजीपुर की टीम ने खेल का प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया। शुक्रवार को जनपद बलिया की महिला खिलाड़ियों ने जनपद गाजीपुर के साथ खेला गया, जिसमें खेल का प्रदर्शन करते हुए जनपद गाजीपुर की पुरुष महिला के आधार पर प्रतियोगिता की ट्रॉफी जनपद गाजीपुर को दिया गया। सीओ लाइन, आरआई लाइंस, यहां उपस्थित सभी पीटीआई और जो आयोजन कराने वाले निर्णायक मंडल और सभी उपस्थित खिलाड़ियों, पुलिस में आप जानते ही हैं कि पुलिसिंग के अलावा और किसी चीज़ का टाइम मिलता नहीं है। सबको इकट्ठा किया जाता है, फिर भेज दिया जाता है उसे पैसे दे करके कि ये लीजिए, खेल की फीस है और आप फला जगह चले जाए। मुझे लगता है कि जब इतनी व्यस्तता हमारी रहती है तो इसी व्यस्तता में ही हमें सब कुछ करना होता है। तो जो लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं, किसी को किसी चीज़ का शौक है और जहाँ पर वो अपनी ड्यूटी दे रहा है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादा ज़रूरी है खुद को फिट रखना, क्योंकि अगर आप खुद को फिट नहीं रखेंगे तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ना तो अपनी आप ड्यूटी कर सकते हैं, ना आराम से अपने घर में रह सकते हैं, क्योंकि देखिए जब कोई फिट नहीं होता है तो खुद मेंटली परेशान होता है, और वही नहीं परेशान होता है, उसका पूरा घर परेशान हो जाता है। तो फिट रहना तो सबसे बड़ी ज़रूरत है। उसके बाद आपका शौक है, आपकी हॉबी है कि मुझे किस प्रतियोगिता में, और आप देखिए कि अब भारत सरकार ने और हर राज्य की सरकारों ने अपने अपने खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे सुविधाओं की घोषणा कर दी है, जिसमें कि अगर आप ओलंपिक पदक जीतते हैं तो आपको क्या मिलेगा, करोड़ों रुपए की धनराशि आपको मिलेगी। इसी तरह कॉमनवेल्थ गेम है, इसी तरह एशियन गेम्स हैं। तो बात है कि अपने जज्बे को डेवलप करने की, तो आप यहाँ रह करके भी देखिए, जब कोई बैठते हैं दोस्त लगिए, क्योंकि देखिए अगर आप नेशनल लेवल पर खेलेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर खेलेंगे, तो ना केवल आपको फायदा होगा बल्कि पूरी दुनिया में आपका नाम जाना जाएगा। आप ओलंपिक पदक हासिल करेंगे तो पूरी दुनिया आपको जानेगी, और सब आप लोग जानते हैं। इसी तरह अगर आप में से कोई ऐसी प्रतिभा है जितना दूर तक जा सकती है, तो न केवल अपने घर का, अपने कुल का, जनपद का, राज्य का, देश का, बल्कि दुनिया में अपना नाम करता है, और बदले में उसके कितने सारे बेनिफिट भी हैं। शिक्षण हासिल की, आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि मुझे कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाए।